सो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने यूनिट नंबर लास्ट यूनिट जो कि यूनिट नंबर 4 है हमारा, जिसका नाम है एलुमिनेशन इंजीनियरिंग। बेसिकली मैं एलुमिनेशन ही नाम है बट मैं एलुमिनेशन इंजीनियरिंग बोलूँगा, बिकॉज एलुमिनेशन इंजीनियरिंग एक बहुत ही डिफरेंट ब्रांच है, जिसकी वजह से हम लोग को जो भी अभी तक मतलब लाइट फिनोमिना जो है हमारी कि लाइट की आवश्यकता और उसका किस तरह कितना उसका वैल्यू होना चाहिए जिससे कि वो हमारे लाइफ में भी थ्रेटनिंग ना क्रिएट करे और हमारे लाइफ में भी एक प्रॉपर स्पेस रखे और हमारे जितने भी मतलब हमारी आँख है उसको उतना इफेक्ट ना पड़े, तो किस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन को करते हैं। हम सब जानते हैं कि लाइट एक तरीके का प्राइम फैक्टर है हमारे लाइफ में और जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो मुख्यतः लाइट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जहाँ लाइट नहीं होता है वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट बनाया जाता है और आर्टिफिशियल जो लाइटिंग है वो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, उसको साफ करके कंट्रोल करके रिलायबिलिटी क्रिएट करके एक स्टडी आउटपुट देके और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका लो कॉस्ट होना। ठीक है, ताकि वो हर किसी के पास या हर घर में अवेलेबल हो। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इन सब चीज़ों को छोड़ के तो डेकोरेटिव एस्पेक्ट्स या एस्थेटिक एस्पेक्ट्स में भी हम लोग इसकी आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रिक्टली यूटिलिटेरियन वैल्यू जो है वो ये जो यूटिलिटी जो वैल्यू है इसकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इससे हम लोग जो वर्कर्स का फेटिंग है, वर्कर्स की जो थकान है उसको हम लोग कम कर पा रहे हैं और प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हो रहा है, हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, आईज और नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो साइंस ऑफ जो एलिमिनेशन है अगर हम लोग बात करें, जो इंजीनियरिंग है, साइंस ऑफ एलिमिनेशन इंजीनियरिंग एक बहुत मेजर इम्पोर्टेंट रोल हमारे सोसाइटी में प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि लाइट किस फॉर्म में होता है, रेडिएंट एनर्जी में, है ना, रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये। तो और हम जानते हैं कि बहुत सारे इनकैंडेसेंट जो बॉडीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सोर्स ऑफ लाइट हैं, जो कि इनकैंडेसेंट का मतलब जो ऐसे सोर्सेस जो कि लाइट अपनी बॉडी से इमिट करते हों और वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो हीट एनर्जी है वो एक प्रकार से इज रेडिएटेड इनटू द मीडियम बाय अ बॉडी विच इज हॉटर देन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, तो ये बेसिकली है और जो हीट है बॉडी का उसको हम लोग रेड हॉट या वाइट हॉट के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बॉडी जो है रेड हॉट है तो वेवलेंथ है रेडिएटेड एनर्जी का वो हमेशा लार्ज होगा सफिशियंटली, और जो एनर्जी अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है बॉडी का तो बॉडी चेंज होती है रेड हॉट से वाइट हॉट स्टेट में। ठीक है, और उसका वेवलेंथ है वो स्मॉलर होती जाता है और लाइट के वेवलेंथ में एंटर करता है। एक नॉर्मली कि अगर हम हॉट बॉडी की बात करें तो वो हीट और लाइट दोनों एनर्जी एमिट करता है और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है गाइस, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, जो लाइट वेव है उनका वेवलेंथ जो होता है वो पॉइंट वेवलेंथ हम लोग लैम्डा से उसको शुरू करते हैं वो होता है हमारा 0.0075 मिलीमीटर से 0.0004 मिलीमीटर का इसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है
और हम लोग जनरली जो वेवलेंथ है वो उसको किसमें शो करते हैं, वो जनरली हम लोग एंगस्ट्रॉम में करते हैं। इसमें एंगस्ट्रॉम, ओवर एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹⁰ मीटर होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि एफिशिएंसी कितनी है, तो हम लोग रेडिएंट एफिशिएंसी निकालते हैं। रेडिएंट एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें, तो रेडिएंट एफिशिएंसी की वैल्यू होती है क्या, फॉर्म क्या होता है, रेशियो ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ लाइट टू द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी। ठीक है, मतलब रेडिएंट एफिशिएंसी की लाइट के फॉर्म में बॉडी ने कितनी एनर्जी एमिट की इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और टोटल एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट है और ये टोटल एनर्जी है, ये इससे हम लोग रेडिएंट एफिशिएंसी हम लोग बॉडी की कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का, उतना लोअर वेवलेंथ होगा रेडिएंट एनर्जी का और हाइयर रेडिएंट एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो रेडिएंट एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी, जब बॉडी विल बी सच दैट द वेवलेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट वेव रेडिएटेड बाय द बॉडी। ठीक है, जब उसकी वैल्यू वेवलेंथ 0.004 या 4.00 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू अगर हम लोग की अचीव होती है, तब जाके वो उसका जो रेडिएंट एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी रेडिएंट एफिशिएंसी कब ऑफर होता है, कितने टेम्परेचर पे, 6250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा रेडिएंट एनर्जी की मैक्सिमम एफिशिएंसी रेडिएंट एफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो ठीक है, ये वैल्यू है तो हम लोग देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दैट इज वाई वी नीड द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की इसी कारण आवश्यकता हमें होती है। और यही हम लोग देखते हैं कि जो इनकैंडेसेंस है वो टेम्परेचर जो है, तो डिपेंडिंग ऑफ अपॉन द टेम्परेचर ऑफ इनकैंडेसेंस इज क्वाइट लो। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो इनकैंडेसेंस लैम्प्स का, इनकैंडेसेंस लाइट्स का, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अगर हम लोग कलर की बात करें, तो कलर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द वेवलेंथ। हम जानते हैं कि हम लोग अलग अलग कलर के वेवलेंथ जानते हैं, जैसे 4000 वायलेट का होता है, 8000 इंफ्रारेड एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है, विबग्योर का फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, इसमें वायलेट जो है हमारा, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम, और हमारा जो रेड होता है उसका कितना होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम वैल्यू होती है। तो इस टाइप से अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग रिलेटिव सेंसिटिविटी की बात करें, किसकी बात करें, रिलेटिव सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी, तो रिलेटिव सेंसिटिविटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो सेंसिटिविटी ऑफ द आई है, ठीक है, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स पे वेरी कर रही है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू द एज। ठीक है, तो एवरेज जो रिलेटिव सेंसिटिविटी है वो हम लोग इस फिगर हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज जो सेंसिटिविटी है वो, जो बेस्ट सेंसिटिविटी होती है वो होती है 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, ये 5500 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है, और येलो ग्रीन को हम लोग उसको देख सकते हैं। येलो ग्रीन जो है वो हम लोग का पुअर कंडीशन ऑफ एलिमिनेशन में, जब ये ब्लू और रेड को हम लोग नहीं देख सकते, तो उस समय ये जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और वॉलेट जो है वो डिसअपियर हो जाता है, और रेड क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो येलो डिसअपियर्स जब हमारी लाइट जो है वो वह बहुत ही ज़्यादा डिम हो जाती है, और कलर जो है वो शेड जो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है। तो जो सेंसिटिविटी आई है,
जो हमारे आंखों की सेंसिटिविटी है, वो बेसिकली येलो ग्रीन जो है हमारा, इस कॉम्बिनेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर होती है, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं उसको 100% लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, ठीक। तो जो रिलेटिव सेंसिटिविटी है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, उसी को हम लोग रिलेटिव ल्यूमिनेसिटी फैक्टर के बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इन टू दी चैप्टर, लेट्स डिस्कस अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज इन दी हमारा इन दी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारा लाइट। लाइट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी विच प्रोड्यूसेस द विजुअल सेंसेशन अपॉन द ह्यूमन आई, ठीक है। उसको हम लोग लाइट किससे डिनोट करते हैं? बेसिकली क्यू से डिनोट करते हैं। लाइट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी। हॉट बॉडी से जो हीट रेट, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो है जो कि विजुअल सेंसेशन हमारे ह्यूमन आई में प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और हम लोग उसको उसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें? ल्यूमेन आवर्स में। ल्यूमेन आवर्स में इसका ये यूनिट होता है, या एनालॉगस जो है वो वॉट आवर्स में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो जो दूसरा टर्म है वो है हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसको हम लोग ज्योति फ्लक्स बोलेंगे। तो ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड पर लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। किसी ल्यूमिनस बॉडी से हर सेकंड कितनी लाइट एनर्जी इमिट हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स। उसका फॉर्मूला है क्यू बाई टी, ल्यूमन सेकेंड अपॉन सेकेंड हो जाता है हमारा ल्यूमन की वैल्यू, और यही हमारा ल्यूमन LUMEN, ये इसका यूनिट होता है, इसको हम लोग इससे दर्शाते हैं एफ से। फिर नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी एक गिवन डायरेक्शन में ल्यूमन फ्लक्स इमिट होता है, ठीक है। इज द ल्यूमन फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है हमारा, उससे जितना हमारा ल्यूमन फ्लक्स या ल्यूमन जो हमारी या हम लोग की जो ल्यूमिनस फ्लक्स इमिट होता है किसी भी सोर्स से पर यूनिट सॉलिड एंगल पे, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। और उसको हम लोग किसे दर्शाएंगे? आई से दर्शाएंगे। आई इक्वल्स टू एफ बाई W होता है, और इसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला, CD, ठीक है। F बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारा? स्टेरेडियन है, ठीक है। ओमेगा सॉलिड एंगल की वैल्यू है, उसको हम लोग किसमें करते हैं? स्टेरेडियन में निकालते हैं, ठीक है। अब अभी तक हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल है क्या? तो अगर हम लोग बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल जो है हमारा बेसिकली सॉलिड एंगल किसी भी स्पेस में एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। देखिए ये जो हमारा तो हम लोग बात करेंगे सॉलिड एंगल की, तो देखिए ये हमारा मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, ये हमारा विजन पॉइंट है, और यहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल पे एक पर्टिकुलर एरिया को जो देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे हमारा सॉलिड एंगल। W A अपॉन आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि सर्कुलर है तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर हमारा वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, इसकी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है? द ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ये क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स का है। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो ये है अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन आउट इन अ स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय वन यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल बाय वेरियस सोर्स। एक यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल
जब हमारा का प्रोडक्शन होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का किसी स्पेस में, तो हम लोग उसको बोलते हैं, और उसका सॉलिड एंगल का भी यूनिट क्या होता है, वन होता है। तो मतलब कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एंड अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैंडल पावर क्या होता है और भी डेफिनेशंस। तो टिल देन थैंक यू।